हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। हरियाणा की गठबंधन सरकार ने अपने कार्यकाल के 50 दिन पूरे कर लिए हैं। प्रदेश के गठबंधन वाली इस सरकार की यह हाफ सेंचुरी कितनी शानदार रही, क्या कुछ खास रहा और विपक्ष इस हाफ सेंचुरी को सेलिब्रेशन के तौर पर ना देखकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सरीखे मसलों पर सवालों की झड़ी क्यों लगा रहा है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले यह रिपोर्ट देखें। दिसंबर को गुरुग्राम में राज्य व्यापी सुशासन दिवस का आयोजन होगा, जहां प्रदेश के कर्मचारियों से सीएम मनोहर लाल सीधा संवाद करेंगे। खबर है कि यहां कई ई गवर्नेंस योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। सीएम ही नहीं, पूरा हरियाणा कैबिनेट लगातार मुस्तैद दिख रहा है, अपने काम को लेकर, अपने विभाग को लेकर। और सरकार बनने से अब तक इस मुस्तैदी के 50 दिन आज पूरे हो गए। जी हाँ, बीजेपी जेजेपी के गठबंधन की सरकार ने हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। प्रदेश सरकार के 50 दिन के कार्यकाल को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बेहतरीन बताया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और मजबूती के साथ काम करेंगे। यहाँ प्रदेश के अंदर और खासतौर पर इस क्षेत्र के अंदर ओलावृष्टि से तो शाम के दादरी के कई गांवों को नुकसान, अधिकतम किसानों की मांग थी जिसको हरियाणा सरकार ने पहले ही पूरा कर दिया। स्पेशल गिरदावरी कर उन तमाम किसानों की रिपोर्ट बनाकर उनको मुआवजा जल्द से जल्द दिया है। और ये उम्मीद है कि सरकार ने जिस तरीके से 50 दिन का अपना कार्यकाल बड़ी अच्छी तरीके से दोनों संगठनों के मिले हुए वादों को पूरा करते हुए चलाया, आगामी महीनों के अंदर मजबूती के साथ प्रदेश को जहां प्रगति के पथ पर लेकर जाएंगे, वही प्रदेश के अंदर आम जन के सुधार के लिए योजनाओं की शुरुआत करने का काम। इधर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन वाली प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। हुड्डा ने कहा कि सरकार बने 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तक नहीं आया। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच सामंजस्य भी नहीं, क्योंकि एक दल का मंत्री कहता है कि धान में घोटाला हुआ है जबकि दूसरा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं। जो गठबंधन की सरकार बनी है, कितने दिन हुए इसको, अभी तक इसने काम करना शुरू नहीं किया, क्योंकि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही नहीं आया, किस दिशा में हरियाणा को लेके जाएंगे कोई दिशा नहीं दिखाई इन्होंने। और अभी तक तो मान लो धान का घोटाला है, कोई कहता है हो रहा है, एक मंत्री कहता है सब ठीक है, फिर निकलाता है। वही किसानों के मुद्दे पर हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश का किसान बर्बादी की कगार पर है। बेमौसमी बारिश से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है लेकिन सरकार ने किसानों को धान का एमएसपी तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही गेहूं का कोटा भी फिक्स करने जा रही है। किसान तो बर्बादी के कगार पे है, धान बोए उसकी एमएसपी मिलती नहीं, अब गेहूं की बात है, गेहूं में जो बेमौसमी बारिश हुई उससे नुकसान हुआ है और अब जो है कोटा फिक्स कर दिए गए, तो गेहूं में भी ये सरकार विचार की कोटा फिक्स, एक एक एकड़ में हम इतना ही लेंगे फिर बाकी कहां किसान लेके जाएगा, तो ये सरकार किसान के बारे में नहीं सोचती कुछ। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने इस बयान में मानो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तमाम सवालों का जवाब दे दिया। 3 ऐसे महकमे हैं जो युवा साथियों के भविष्य से डायरेक्टली कोरिलेट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, लेबर और इंडस्ट्री। और आपने खुद देखा होगा कि प्रदेश के अंदर लेबर डिपार्टमेंट ने और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने अलग अलग प्रकार के कदम पहले उठा लिए और हमारा ये प्रयास है कि अगले 6 महीने में इंडस्ट्री, लेबर और एम्प्लॉयमेंट तीनों डिपार्टमेंट यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो हरियाणा का एक्सचेंज है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, उससे इशू कराकर हम प्रदेश के हर एम्प्लॉय को एक यूनिक आईडी भी देंगे और साथ के साथ उसको जॉब्स के अंदर कैसे हिस्सेदारी में उसकी प्राथमिकता।
बहरहाल प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल के 50 दिन पूरे कर लिए हैं। अब सरकार की ये हाफ सेंचुरी कितनी मनोहर रही, आइए प्राइम टाइम डिबेट में इसी सवाल का जवाब तलाशते हैं। चलिए तो इस रिपोर्ट के पूरा होने के बाद एक बार फिर से आज का सवाल हम दोहरा देते हैं, जिसका जवाब आपको हमारे इस प्राइम टाइम डिबेट के लिए देना है। सवाल देखें, क्या मनोहर रहा हरियाणा सरकार के 50 दिन का कार्यकाल? हाँ के लिए टाइप कीजिए यस, और अगर आपका जवाब ना है तो आप नो टाइप करें और अपने जवाब को 8743010009 पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। सवाल एक बार फिर सुने और जवाब जरूर दें, क्या मनोहर रहा हरियाणा सरकार के 50 दिन का कार्यकाल? यस और नो में अपना जवाब इस नंबर पर भेजें। हमारे पैनल को देख रहे हैं आप, एक एक कर सबसे मिलवा दूं। सीमा गिल वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। दलबीर धनखड़ साहब हैं यहां पर प्रवक्ता जेजेपी। धनखड़ जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुखबीर तवर जुड़े हैं, प्रवक्ता इनेलो। तवर साहब मैं बहुत स्वागत करती हूं आपका। अमित नेहरा राजनीतिक विश्लेषक हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में मौजूद है, नेहरा जी बहुत स्वागत है। मनीष खटाना प्रवक्ता कांग्रेस, खटाना साहब बहुत स्वागत है आपका। एक एक कर सबके पास जाएंगे, शुरुआत कर लेते हैं हम सीमा जी आपसे। 50 दिन पूरे हो गए हैं गठबंधन की सरकार को, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। डिप्टी सीएम का कहना है कि अभी तक बेहतरी के साथ काम करते आए हैं, आगे और भी बेहतर काम करेंगे। इस बीच एक हेडलाइन आती है भूपेंद्र हुड्डा के बयान के रूप में, वो कहते हैं कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं, हर मोर्चे पर फेल है, अभी तक तो इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही नहीं आया, तो किस काम की बात पर शाबाशी दें? देखो अनामिका, अभी 50 दिन हुए हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि आकलन के हिसाब से बहुत कम दिन है, लेकिन सबसे जो दुखद इसमें जो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से जेजेपी और बीजेपी इलेक्शन के बाद जो अलायंस हुआ था, तो उसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी दोनों पार्टियों की है, पार्टी में क्योंकि दोनों सरकार में हैं तो उनकी जिम्मेदारी ये थी कि सबसे पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके आए, क्योंकि दोनों पार्टियां इलेक्शन से पहले जब जनता के बीच में गई थी तो दोनों के मुद्दे बहुत अलग थे। तो अब अगर दोनों अलायंस हुए तो इन दोनों की जिम्मेदारी ये थी कि जनता के सामने रखें कि मुद्दे हैं क्या जिन पर दोनों पार्टी मिलकर काम करेंगी। हुड्डा साहब जो कह रहे हैं मैं उस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ, मुझे लगता है कि होना चाहिए था जो नहीं हुआ है, बट अभी ऐसे कुछ नकारात्मक बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि जो हरियाणा में 50 दिन सरकार है उसमें कुछ बहुत ज्यादा घोटाले हो गए हों या कुछ, नकारात्मक भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक जो सकारात्मक पहल होनी चाहिए थी दोनों पार्टियों की तरफ से वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे होनी चाहिए थी। थोड़ा पहले बिल्कुल आ सकता था, अभी भी वक्त लग अभी अभी भी वक्त लग रहा है, ये बहुत ज्यादा वक्त है मेरे हिसाब से। सरकार बनने से पहले आ जाना चाहिए था ताकि जनता के सामने जब ये जाए अनाउंस करे तो बोले कि हम इन मुद्दों पर एक साथ सरकार बना रहे हैं, तो थोड़ा बुरा तो लगता है क्योंकि लोकतांत्रिक। साहब 50 दिन पूरा होने की बहुत बधाई, आगे कितनी बेहतरी देखने को मिलेगी और सीएमपी कब आएगा सर? अनामिका जी, सबसे पहले तो प्रदेश की जनता को मैं बार बार कहता हूँ, गैर कांग्रेसी लगातार दूसरी बार सरकार बनी है, प्रदेश की जनता की को हम बधाई और धन्यवाद भी करना चाहेंगे। और जहां तक इस सरकार की बात हम करें, ये सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर चुनाव नहीं लड़े, ये भी बिल्कुल टू सत्य है। एक मिनिमम प्रोग्राम के तहत इकट्ठे सरकार बनाने का हमने जनता के सामने एक एग्जाम्पल रखा। 50 दिन के इस छोटे से सफर में प्रदेश की जनता खुशहाल और सरकार तरक्की की तरफ बढ़ रही है। जहां तक मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को मैं तो धन्यवाद भी करूंगा, एक मजबूत विपक्ष इस बार प्रदेश की जनता के सामने को सरकार के सामने बनाने का काम। तो बार बार पूछ रहे हैं कि कॉमन मिनिमम कब लाएंगे, पूछना बनता भी बिल्कुल है। बनता है, हम तो चाहते हैं बने, परंतु इनका देख लिए माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय सिंह चौटाला जी विधानसभा के पहले ही सत्र में
जब धान के ऊपर ना खरीदने का आरोप लगा रहे, तो हमने बार बार कही थी एक एक दाना एमएसपी पे किसानों को खरीदा जाए, एक दाना भी नहीं छोड़ा जाए, तो फिर भी इन्होंने आरोप लगाए, तो माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, उन्होंने एक ही बात कही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आप नेता प्रतिपक्ष हो, और अभय सिंह चौटाला पिछले साढ़े चार साल के बीच में नेता प्रतिपक्ष रहे, मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा आप दोनों एक कमेटी बना के, अफसर जो आप चाहो हम देंगे, आप हर मंडी में जाइए, कहीं भी आपको ये लगे कि धान का एक मतलब कोई दाना भी नहीं खरीद रहा है, कम खरीद रहा है, कोई दिक्कत है नहीं मिलता है, तो आप जरूर बताने का काम करें। आप मान के हैरान होंगी, सिर्फ एक दिन का सफर, जब चंडीगढ़ से वापिस घर आ रहे थे, दो मंडियों में शायद अभय सिंह जी गए, एक मंडी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी गए, उसके बाद इनकी कोई अता पता नहीं कहां चले गए वो। चलो हमें इस बात का कोई तकलीफ नहीं, क्यों जिम्मेवारी सरकार की बनती है, एक जिम्मेवारी नेता प्रतिपक्ष की भी होती है, उन्होंने निभानी चाहिए थी, नहीं निभाई कोई बात नहीं। जहां तक सरकार की बात मैं बताऊंगा, सबसे पहले एक वायदा किया था पिछली सरकार के समय, एस्टेट के पेपर हमने सबको पता है पिछली बार बहुत दूर दूर तक कर दिए थे, तो हमने एक वायदा किया था जब भी हमारी सरकार बनेगी तो हम सरकार का हिस्सा हो गए, तो समझो सरकार हमारी बनेगी, प्रदेश के हर जिले में उससे बाहर किसी विद्यार्थी को नहीं जाना पड़ेगा, हमने किया तो एस्टेट हटाने की बात कही थी, आपका नंबर आएगा, खूब बोलना, नहीं नहीं बीच बीच में आपको मुद्दे दे रहे हैं, मेरे पकड़ा रहे हैं, मैं इसलिए स्टेट पाए हूँ, आप बोलोगे मैं मुद्दे का जवाब भी दूंगा, नहीं तो मैं ये चुप भी रह सकता था, किसी को शायद ध्यान भी नहीं था, पर मैंने बताना मेरा फर्ज बनता है, एक दो मैं आपको बताना चाहूंगा, अच्छा बोल सकते हैं अनामिका जी, मैं बताना चाहूंगा, चलो इसी पे जवाब दे देता हूँ, ये बिल्कुल हम इसको हटाने का हमारा वायदा था प्रदेश की जनता से, फिर बताता हूँ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब बनेगा तब हमारी दोनों पार्टियों का जो सरकार का वायदे किसके कितने हैं, कैसे हम पूरा कर सकते हैं वो खोल कर रख देंगे। ये आप सबको पता है, 90 में से हम 10 सीटों पर जीत पाए, भाजपा 40 सीटों पर जीत पाई, तो मिलीजुली सरकार में जब आते हैं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का यही मसला है, सबसे पहले वो प्रोग्राम किए जाते हैं जो हमारे कॉमन होते हैं दोनों पार्टियों के, उसके बाद सबसे ज्यादा जिम्मेवारी जो सरकार में ज्यादा सीटें आई हैं जिनका मुख्यमंत्री होता है उसके घोषणा पत्र को उठाया जाता है, और फिर जो सात पार्टी आती उसको उठाया जाता है, तो कोशिश की जाती 5 साल में दोनों घोषणा पत्र कवर हो जाएं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हो जाएं, ये हमारी कोशिश रहती है। मैं एक और बात बताना चाहूंगा, बेमौसमी बारिश के साथ ओले अभी पड़े थे स्पेशल गिरदावरी के, मेरे ख्याल में मैं तो ये याद दिलाना चाहूंगा इतिहास में हरियाणा में अभी ऐसा देखने को मिला है, 4 जिलों में 5 जिलों में ओले गिरे तो काफी नुकसान किसानों को आया, आपने कहीं धरना प्रदर्शन या कहीं मांग दिखती नहीं रखी होगी, इमीडिएट 24 घंटे में स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर दे दिए गए थे, ये किसानों के लिए हमने कोशिश की है कि इस तरह का काम हो, किसी तरह का नुकसान ना हो। माननीय उप मुख्यमंत्री ने अभी आपके आपने भी सुना होगा, हमने भी देखा, 3 क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज्यादा काम करने की संभावना, एम्प्लॉयमेंट जो हमारा सबसे बड़ा वायदा था, 75% हरियाणा में नौकरियां हमारे रहने वासियों को देंगे अगर हमारी सरकार बनी तो उस पर मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री उस पर काम कर रहे हैं। दूसरा लेबर, लेबर की दिहाड़ी बढ़ाने का, और ये किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है, लेबर में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, इनको कैसे काम पर लगाया जाए अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, इंडस्ट्री में किस तरह से प्रशिक्षण देके इनको आगे बढ़ाया जाए, तो 6 महीने का समय माननीय उप मुख्यमंत्री ने बार बार एक बार कही है कि हमें 6 महीने का इन 3 डिपार्टमेंट में थोड़ा सा मौका देना पड़ेगा, हम आगे बढ़ के और अच्छा काम करेंगे। तो मैं आपको सबको ये बताना चाहूंगा, 50 दिन में हमने कोशिश की है, किसानों की कोई शिकायत आपको पास है एमएसपी की कह लो, मैं तो हैरान हूं माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए, कुलदीप शर्मा जी के लिए, एक कह रहे हैं धान में घोटाला होया, फिजिकल वेरिफिकेशन कैमरे के साथ पहली बार हरियाणा में होने जा रही है, तो कुलदीप शर्मा जी कह रहे हैं ये तो अन्याय है व्यापारियों के साथ, भाई धान हमारा है, पैसा हमने दिया, सरकार ने दिया है, सरकार का है, आपका सबका जनता का है, वेरिफिकेशन 6 बार करने क्या फर्क पड़ता है, माल तो सरकार का और जनता का है ना, मिलर का तो काम है उनको मिलिंग करना और धान निकाल के चावल निकाल के देना, तो एक पार्टी में 2 तरह की बातें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती, हालांकि इस पार्टी में क्वालिटी है, चाहे वो रोहतक की रैली में वो कांग्रेस नहीं रही वो कह सकते हैं, और बाद में उसी कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, ये इनकी अपनी पार्टी का मामला, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, बाकी मैं तो अपनी सरकार की बात कहता हूँ, लोगों में खुशहाली है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बहुत जल्दी आएगा, और आने वाले समय में 6 महीने का टाइम में हमें चाहिएगा बहुत कुछ सेटल करने में, तो आने वाले टाइम में और अच्छे अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जी नमस्कार।
सर, 6 महीने के टाइम में क्या कुछ सेटल करने वाली है सरकार? मैं आपको बताया ना जी, इम्प्लॉयमेंट में, लेबर के, उसमें, इंडस्ट्री में, तीन तो मोटे मोटे बताए दिए, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बहुत जल्दी जनता के बीच मानने जा रहे हैं। अगली कमेटी की मीटिंग है ना सब, बहुत जल्दी होने जा रही है। आप लोग ये क्यों कह रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा तकरीबन रोजाना ये क्यों कह रहे हैं कि सरकार किसान विरोधी है और किसानों को धान का MSP भी नहीं दिया? देखिए, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं कह रहे कि सरकार किसान विरोधी है, ये हरियाणा का हर किसान कह रहा है कि ये सरकार किसान विरोधी है। तो आप ये इसका जवाब धनखड़ साहब ऑलरेडी दे चुके हैं कि किसी किसान ने विरोध धरना प्रदर्शन नहीं किया, मौसम की भी जो मार पड़ी है उन किसानों को भी राहत दिया गया, धान का एक एक दाना खरीदा गया, वो फिजिकल वेरिफिकेशन यानी वो अपडेट के साथ बात कर रहे हैं। फिर विपक्ष को क्या नाराज? हिंदुस्तान में अगर मीडिया की बात करें तो मेरे ख्याल से मुझे हरियाणा न्यूज से बढ़िया कोई चैनल लगता नहीं। आप जाके कल किसानों से उनकी राय ले लें और दिखा देना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन्होंने तो अपनी सरकार की वाई वाई करनी है, हमने अपनी करनी है। निष्पक्षता से जो जांच की जो बात कर रहे हैं आप, किसानों को एक बार माइक लगाओ, रोने लग जाएंगे, आंसू आ जाएंगे। जबान से शब्द शायद निकले या ना निकले, लेकिन उनकी आंखों में वो आंसू आपको नजर आएंगे, आपके कैमरे पे चलेंगे। जो पिछले 5.5 साल में इस भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ किया है, ये बात किसान की करते हैं। अब गठबंधन की सरकार के 50 दिन पे बोली, 50 दिन पे ही बात कर रहा हूँ। 50 दिन में इस सरकार ने एक भी कोई ऐसा काम किया हो जिससे सरकार अपनी पीठ थपथपा सके? ये बात करते हैं धान की फिजिकल वेरिफिकेशन, इन्होंने बात करी पराली की, पराली में किसानों को बंद करवा दिया गया, बात करी खनन घोटाले की, खनन घोटाला में बीजेपी, जेजेपी बोलती है हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, यार बीजेपी कहती है जरूरत ही नहीं है, जेजेपी चुप हो जाती है। जब जेजेपी कह रही है सरकार में आपके साथ है तो कर दो, जांच करा दो, क्या दिक्कत है, कह झूठी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि भाई 100 हमारे जो वायदे हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, अरे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल की सरकार में 154 वायदे करे थे, 154 में से एक भी वायदा पूरा नहीं करा। ये तो इस बार तो दो घोषणा पत्र हैं, तो सरकार पता नहीं कितनी स्पीड से चलेगी, ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, हमारे उप मुख्यमंत्री जी बड़े यंग है, हमारे को भी उम्मीद थी कि भी एक यंग है, थोड़ी सी तेजी के साथ सरकार चलेगी, काम होंगे। क्योंकि देखिए, बहुत छोटा सा दल होने के बाद जब आप सरकार का हिस्सा बनते हो तो आदमी के अंदर आत्मविश्वास ज्यादा आ जाता है, मोटिवेशन पॉइंट बढ़ जाता है। तो हमारे को उम्मीद थी, हम ये नहीं चाहते कि हमें हर मुद्दे पर सिर्फ इनका विरोध करना है, अच्छे काम करेंगे, हरियाणा के हक की बात करेंगे, किसान के हक की बात करेंगे, हम इनको धन्यवाद करेंगे, हम हरियाणा का भला चाहते हैं, हमारे को क्या दिक्कत है। एक बार सीएमपी आ जाने के बाद इनके काम को, गठबंधन की सरकार के काम को जज करना ज्यादा सही नहीं होता क्या? नहीं, आप देखिए, काम को जज करना बड़ी अच्छी बात है, काम करेंगे तो ही तो जज करेंगे। मेरे बड़े भाई बार बार रोहतक रैली पे चले जाते हैं, अरे आप देखिए, एक आदमी ने अगर उसको कहीं अपने हरियाणा की बात रखनी थी, हरियाणा के जवान और किसान की बात रखनी थी, उसने की, उसने बात को रखा, उसने सबसे पहले सबसे ऊपर हरियाणा के जवान और किसान को रखा, चाहे पार्टी जो भी करती, पार्टी को लगा कि नहीं इस व्यक्ति ने, इस नेता ने ठीक बात कही। भैया, गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। उसके बाद मेरे बड़े भाई ने आज तक बहुत बड़ा एक ही बात कहते हैं, 75%। मैं अपने भाई से एक सवाल करता हूं, इनसे उम्र में बड़ा छोटा हूं, तजुर्बे में बड़ा छोटा हूं, अरे भाई 75% नौकरी दोगे कहां से? 75% रोजगार देने वाली कंपनियों को आदरणीय मोदी जी उठाकर गुजरात ले गए, पहले तो उनको कैंसिल करा के वापस लाया जाए। 75% रोजगार कहां दोगे? घर पे दोगे, सड़कों पर दोगे, रेड लाइट पे खड़ा करोगे, कहां दोगे रोजगार? निवेश के नाम पर आपके पास 1 रुपये नहीं है, कर्जे के नाम पर आपने डबल कर दिया कर्जा, तो आप रोजगार दोगे कहां? बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर वाक्य है ये, 75%। भैया कहां दोगे? मारुति चली गई, मारुति ने आधा हरियाणा, 63% रेवेन्यू गुड़गांव देता है, गुड़गांव में है मारुति, उसको उठाकर ले गए, बना बनाया प्लांट, 500 छोटी फैक्ट्रियां हैं मारुति के साथ जिनको जाना पड़ेगा। होंडा हुंडई, ये गंभीर विषय है, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये हमारे हरियाणा के जवान का विषय है, लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं है। हाँ, ये लाइन अच्छी लगती है, 75% रोजगार देंगे। मेरे जो बुजुर्ग हैं वो आज लाइनों में बैठे हैं, 5100 रुपए पेंशन की बात हुई थी, भैया 2 महीने हो गए, कर दो, क्या दिक्कत है? अरे उन बुजुर्गों को कुछ तो सहारा दे दो। किसानों का 1 रुपए कर्ज माफ करने की बात आज तक इस सरकार ने अडानी अंबानी के 3.25 लाख करोड़ रुपए कर दिए, उससे आर्थिक व्यवस्था ठीक हो रही है। देश में अगर किसी की संपत्ति बड़ी है उसका नाम आज अडानी अंबानी है, मैं यहां बोल रहा हूं। कैसे बड़ी है वो किसी को नहीं पता। आर्थिक व्यवस्था नीचे जा रही है, GDP नीचे जा रही है, वो ऊपर जा रहे हैं।
सारी कंपनियां बंद हो रही हैं, बुलेट ट्रेन का सपना जगाया था, हमारी ट्रेन ही बेच दी। बात करते हैं जी हम वो रेलवे लाइन की, हमारी मेट्रो तो वहीं खड़ी है 5.5 साल से, 5 पिलर ही आगे बढ़ा देते भाई, एक स्टेशन ही बढ़ा देते, कोई बात नहीं, 5 किलोमीटर तो लंबा सफर हो जाता, एक स्टेशन बढ़ा देते, दिल हमें भी लगता चलो यार काम तो चल रहा है। किताबों में कापियों में काम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े इनके वायदे, जुमले, जुमलों की सरकार है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जेजेपी भी इनकी बातों में धीरे धीरे उस मोड में आ चुके हैं। कुल मिलाकर मजा नहीं आया इन 50 दिनों। नहीं नहीं मजे की तो बात छोड़ो, हम तो ये चाहते हैं कि हरियाणा का जवान किसान और जो छोटा जो तबके का जो व्यापारी है उस बेचारे को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम दे दो कि वो सड़कों पर ना आए और हरियाणा जो पटरी से उतर गया था वो दोबारा पटरी पर आ जाए। ठीक है। और एक बात और, एक मिनट और लूंगा, मेरे बड़े भाई ने जो कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा भाई नेता प्रतिपक्ष को आप मंडियों में जाओ, आप कमेटी गठित करो, अरे भैया अगर आपको लगता है कि सब कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कर सकते हैं तो आप कुर्सी को छोड़ दो, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बैठा दो, हम कमेटी बैठा लेंगे और मंडी में भी चले जाएंगे। चलिए ठीक है। तवर साहब कितना मनोहर दिखा इनालो को गठबंधन की सरकार के ये 50 दिन। अनामिका जी जो महाराष्ट्र में हुआ हालांकि लेट हुआ लेकिन उन्होंने पहले अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया और उसके आधार पर वो आगे बढ़े, ना कि सिर्फ हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी और जनता सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए अपितु भविष्य में भी जब भी कोई गठबंधन की सरकार बने उन सबको अपने आप में एक उदाहरण लेना चाहिए कि जब आप कोई सरकार का अपने विरोधी जिनके साथ आप लड़के सदन में पहुंचे हो जब आप उनके साथ आप सरकार का गठन कर रहे हैं तो सरकार के गठन से पहले आपके जो भी इश्यूज हैं वो समाप्त हो जाने चाहिए और न्यूनतम साझा कार्यक्रम आ जाना चाहिए जो कि आज 50 दिन के बाद भी नहीं आया है। अभी मैंने भाई दलबीर जी की भी बात सुनी, खजाना साहब की भी बात सुनी, सीमा जी की भी बात सुनी, विषय ये है देखिए निसंदेह हरियाणा विधानसभा का जो अधिवेशन था उसमें जिस प्रकार से धान लूट का मुद्दा आया और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई 3 लोगों की ये कमेटी बना दो वो कमेटी बना दो लेकिन जिस प्रकार से आज जो मिलर्स हैं उनके यहाँ जिस प्रकार से सर्वेक्षण की बात की जा रही है उससे जिस किसान ने अपना धान न्यूनतम या कम मूल्यों पर बेच दिया उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। सच्चाई की बात यह है कि जिसने जो लूटना था जिसने किसानों को जो हक मारना था वो मार चुके हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से कहना ये चाहता हूँ आज आप प्रदेश में शराब की तो बात ही छोड़ दीजिए, आज प्रदेश के लगभग हर एक गांव में जो खतरनाक नशे है ना वो सरकार के संरक्षण में दिख रहे हैं। नशे को लेकर लगातार अनिल विज सख्त नहीं दिख रहे हैं क्या आपको? देखिए अनामिका जी अनिल विज जी सख्त दिख रहे हैं, दिखना और क्रियान्वित करना दोनों बिल्कुल अलग बात है। आज भारतीय जनता पार्टी के अनेक लोगों के नाम आ रहे हैं उसमें अनिल विज जी ने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की अफसारी कही तो बता दो संदेह ये लोग संरक्षण कर रहे हैं सहयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खतरनाक नशे की तस्करी में सम्मिलित है। अब मैं बात करूंगा जो 50 दिन की बात थी अनामिका जी 50 दिन में 50 दिन से भी ज्यादा जो होंडा में कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी प्रयास कर लिया ऐसे क्या कारण है कि इन कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त नहीं हो रही है? निसंदेह ये बहुत ही अपने आप में एक बड़ा विषय है। असल बात यह है कि आज की हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है वो किसी भी वर्ग के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 75 पार की बात करी थी, माननीय दुर्जन जी ने 75% रोजगार की बात करी थी, मैं खटाना साहब ने जो अभी बात रखी उसका समर्थन करते हुए बात ये कहूंगा ये सही बात है। आज गुड़गांव और फरीदाबाद से अनेक उद्योग दूसरे प्रदेशों में शिफ्ट हो गए हैं, ये पिछले 5 साल में अगर आप आंकड़े लगाएं तो ये निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की भी नाकामी है और जिस प्रकार से जननायक जनता पार्टी ने एक नाकाम पार्टी के साथ गठबंधन किया है ये भी उनकी नाकामयाबी में सम्मिलित हो गए। दूसरी बात आज जिस प्रकार से
अभी बात हो रही थी कि हमने गिरदावरी करा दी, ये करा दिया, वो करा दिया। आज किसानों को किसी प्रकार की सहूलियत प्रदेश की सरकार की तरफ से कागजों में कह रहे हैं, बयानों में सब कर रहे हैं, लेकिन असल में इस प्रकार की किसी किस्म की कोई सहूलियत नजर नहीं आ रही है। और निसंदेह 50 दिन के बाद भी जब ये अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश की जनता के समुख नहीं रख पाए, इससे बड़ी विफलता कोई हो नहीं सकती। असल बात यह है कि इनके बीच में अंतर विरोध इतने हैं कि ये एक दूसरे को अंदर ही अंदर काटने में लगे हुए हैं। चलिए, अंतर विरोध पर भी मैं आऊंगी धनखड़ साहब के पास। 100 दिन पूरे होंगे। हाँ। मुझे लगता ही है जिस प्रकार की मेरे पास सूचना है आपको अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बात जो कही थी धनखड़ साहब ने, ना आपने जवाब दिया ना खटाना साहब ने, हालांकि मैं आऊंगी इस जवाब के लिए बाद में, कि धान के एमएसपी ना मिलने का जिक्र आप दोनों करते रहे, लेकिन जब खुद सरकार ने कहा था कि आप देख लीजिए अनियमितता अगर कहीं पर भी मिलती है, आप जिस अफसर को कहेंगे वो अफसर भी हम साथ भेजेंगे, लेकिन आप लोगों ने बताया नहीं। यही तो दुखद विषय है। हाँ। धान को 200-300-250 रुपए के किसानों को दबा के खरीदा गया है, यही तो विषय। उस अधिवेशन में यही तो बात हुई, जो विधानसभा का अधिवेशन चल रहा था उसमें यही तो बात हुई थी कि किसानों को लूटा जा रहा। चलिए ठीक है, सच्चा भी तो होगी। धनखड़ साहब याद रखिएगा, इनका जवाब मैं आपके पास लौटूंगी। अमित नेहरा के पास जाना है, राजनीतिक विश्लेषक, आपका विश्लेषण क्या कहता है, कितने मनोहर 50 दिन? देखिए नामिका, सबसे पहले बात यह है कि जो वर्तमान सिनेरियो है, परिदृश्य है, उसमें मुझे लगता है कि पार्टियों को कॉमन मैनिफेस्टो बनाना चाहिए अपने मैनिफेस्टो की बजाय, क्योंकि जैसे ही सपोर्ट किया जेजेपी ने, तभी बीजेपी की तरफ से बयान आ गया था कि लगभग 75 घोषणाएं हमारी समान है, तो फर्क क्या रह गया। दूसरी तरफ आपको ध्यान हो अच्छी तरह से, जब सरकार बनी नहीं थी और ये चल रहा था कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, बीजेपी बनाएगी, जेजेपी को समर्थन देगी, जेजेपी सरकार बनाएगी, ये सशोषपन चल रहा था, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक घोषणा की थी सार्वजनिक रूप से, हमने कैमरे पे देखा था ऑन कैमरा, तो उन्होंने अपना घोषणा पत्र दिखाते हुए कांग्रेस का ये कहा था कि अपना जेजेपी का स्वागत है कांग्रेस में, हमें समर्थन दे, और वजह यह है कि इस घोषणा पत्र में उनकी सारी घोषणाएं हैं हमारे घोषणा पत्र में कांग्रेस के। तो देखिए दिक्कत कहां है, अगर सभी की घोषणाएं सभी के घोषणा पत्रों में है तो एक कॉमन मैनिफेस्टो हो जाए तो बढ़िया है, जनता को भी सुविधा होगी, पार्टियों को भी सुविधा होगी, सारे मिल बैठ के अपनी घोषणाएं बना ले एक साथ। देखिए बात वो नहीं है, बात यह है कि एक पार्टी की एक नेचर होती है कि पार्टी की लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा, तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से हल नहीं हो सकता। देखिए अगर मान लिया दोनों पार्टियां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ना भी बनाए तो क्या सरकार नहीं चलेगी क्या? हमने पहली बार ऐसा देखा है हरियाणा के इतिहास में 1966 के बाद कि एक ऐसी जो विधानसभा की मीटिंग हुई है जिसमें बिना मंत्रिमंडल के। पर मसला ये नहीं है ना नेहरा साहब कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ना भी बनेगी तो सरकार चलेगी कि नहीं, मसला ये है कि इन्होंने कुछ और प्रोमिसेस किए थे। बीजेपी अपने चुनावी वादों के साथ आई थी, घोषणाएं तो दोनों को अपनी पूरी करनी है ना, वो कैसे, इसीलिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनना था ना। महाराष्ट्र की तर्ज पर बार बार सवाल पूछा गया कि जैसे अभी बार बार हर डिबेट में धनखड़ साहब ये कहते हैं कि हम जिसके खिलाफ लड़े थे हम स्वीकार करते हैं, अलग अलग चुनाव लड़कर आए और फिर गठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि अब साझा कार्यक्रम के तहत काम आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए इंतजार है। अनामिका अगर सरकार का आप विश्लेषण करें, किसी भी सरकार का, मैं इन पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जेजेपी प्लस बीजेपी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पूरे देश में कहीं भी किसी भी राज्य में देखें तो पहला लक्ष्य ये होता है पार्टियों का, पॉलिटिकल पार्टियों का, ये इनके इन पर कारण आपको सत्ता पे कब्जा करना है। हमने पिछले साल 5 साल देखा, अभी अपने कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा बड़ी खोज करके लाएंगे कि 154 वायदे उनके पूरे ही नहीं हुए, तो उनकी कोई जवाबदेही थी ही नहीं। 154 वायदे पूरे ना होने के बाद जनता ने इनको सत्ता सौंप दी, तो कहीं ना कहीं दिक्कत थी कि जनता में भी है, जनता की जवाबदेही तो बनती है ना कि आप जो झूठे वायदे करें, जो वायदे पूरा ना करें उनको सत्ता में ना लाएं। तो देखिए बड़ा घालमेल है घोषणा पत्रों का, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का, हम इस पे चर्चा करें कि आखिर हो क्या रहा है सरकार में। देखिए एक अभी चर्चा आई कि एस्टेट की हमने सेंटर वहीं के वहीं बना दिए,
चलो ठीक है, हम उस पर भी नहीं जाते कि इन्होंने वायदा क्या किया था। इन्होंने हालांकि वायदा ये किया था कि अगर हमारी पार्टी सरकार में आई तो हम एस्टेट को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट पास कर लेता है बीएड का या जेबीटी का जो इम्तिहान, तो अपने आप एलिजिबल हो जाता है। मेरा मानना ये है कि अगर पूरे हरियाणा में आप सर्वे करवा के देख लें, जैसे 10% सर्वे कर रहे हैं शराबबंदी वाला, अगर ये मुंबई भी सेंटर रख दें, लेकिन गारंटी ये हो कि जो परीक्षा पास कर लेगा हम उसको नौकरी देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मुंबई जाने में कोई परहेज होगा। जिला बदलने से कोई परहेज नहीं है, दिक्कत यह है कि लोगों को नौकरी चाहिए। उससे ये आप ये संतुष्ट नहीं कर सकते कि हमने घर में ही आपका एग्जाम करा दिया। अरे करवा तो दिया, लेकिन उसका असर क्या है? आपको नौकरी मिली या नहीं मिली, अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो देखती है जनता, ठीक है ना। अभी और कई सारे मुद्दे आए हैं। अभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की हम क्रोनोलॉजी अगर समझें, 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, सरकार बना ली हैं और जल्दी ही हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। उसके बाद 6 नवंबर को जाके ये घोषणा होती कि हमने कमेटी का गठन कर दिया है जिसके मुखिया अनिल विज होंगे, और 15 दिन में ये कमेटी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लागू कर देगी। इसके बाद 15 दिन बीत गए, लेकिन 28 नवंबर को पहली मीटिंग हुई। 28 नवंबर को ये कहा कि हम बहुत ही जल्दी हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके आएंगे। 28 नवंबर से अब पूरा साल ही जाने वाला है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं आया। तो देखिए मुद्दा ये नहीं है, आज फिर वही मैं कह रहा हूं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा ये है कि एक अचीवमेंट ये आई है कि हमने 75% जो स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, कानून बना दिया है। लेकिन मैं ये जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जो हुडा के प्लॉट है, इंडस्ट्रियल प्लॉट, HSIDC जो नोडल एजेंसी है इंडस्ट्रीज की, उसके जो प्लॉट हैं जिन पे इंडस्ट्रीज लगती हैं, और CLU चेंज ऑफ लैंड यूज जो सरकार करती है, तो उसमें पहली शर्त ये होती है, एफिडेविट मांगती है जो CLU लेता है या हुडा के इंडस्ट्रियल प्लॉट लेता है या HSIDC के प्लॉट लेता है, उससे सरकार पहले ही एफिडेविट मांगती है। ये पुराने समय से चला रहा है कि हम 75% स्थानीय नागरिकों को, स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे, तो इसमें नया क्या है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ये कह रही है कि हम वेज बढ़ाएंगे, मजदूरी बढ़ाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है और अर्थशास्त्रियों का भी ये मानना है कि वेज बढ़ाना कोई हल नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आप महंगाई को कम कीजिए। अब मेरी बात समझे, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में मजदूर बहुत कम है, सरकार को मजदूरी देनी नहीं पड़ती, लेकिन मजदूर ज्यादा है प्राइवेट सेक्टर में, तो सरकार की जेब से क्या जाएगा। मान लिया आप ये कह दो कि 20,000 रुपये हमने मिनिमम वेज कर दिया है, तो एक प्राइवेट आदमी को देना पड़ेगा। आप मेरी बात समझे, उसमें सरकार का कुछ नहीं जाता, क्योंकि सरकार के पास मजदूर ही नहीं है इतने कि सरकार अपने जेब से दे। अभी बात आई मेट्रो की, हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता बैठे, उन्होंने बड़ी अच्छी डिबेट की, क्योंकि मैं ये नहीं है कि मैं किसी एक पार्टी विशेष के खिलाफ जाऊं, मैं कांग्रेस के भी बताऊंगा। इन्होंने मेट्रो का कहा कि मेट्रो का एक पिलर भी आगे नहीं बढ़ा। मेट्रो एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना थी सेंटर की और दिल्ली गवर्नमेंट की, जो बाकी जिलों, बाकी जो प्रदेशों में भी आई। हरियाणा ने अपनी खुद की पहली मेट्रो बनाई गुड़गांव में, रैपिड मेट्रो जिसका नाम था, लेकिन वो एक बिल्डर विशेष के लिए बनाई गई। उसमें लगभग 3,000 करोड़ रुपये फूंक दिया गया सरकारी। हालत ये हुई कि पिछले महीने में उस प्रबंध ने हाथ खड़े कर दिया, हम इसको चला ही नहीं सकते, क्योंकि फॉल्टी डिजाइन था। किसी एक आदमी को आप लाभ पहुंचाएंगे मेट्रो का, उसके लिए पिलर खड़े कर देंगे, तो चलेगा क्या? वो जबरदस्ती दिल्ली मेट्रो को, DMRC मेट्रो को वो देना पड़ा, लॉस में जा रही है। कटारा साहब जवाब, ठीक है ना, देखिए जवाब नहीं है, तो देखिए आप फॉल्टी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या है कि हर पार्टी शक के घेरे में, हर पार्टी जवाबदेही है हर पार्टी की, और ये बात भी सही है। और देखिए सरकार ने ये जो बात कही है, क्योंकि विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया था धान घोटाले वाला, तो हालांकि मुख्यमंत्री ने उसी समय कह दिया था कमेटी बना दी जाए जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी होंगे और अपने अभय सिंह चौटाला भी होंगे, लेकिन उनकी कोई फाइंडिंग आज तक आई नहीं, ना उन्होंने उसके बाद कोई ज्यादा वो दिया। उसमें थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से कंक्लूड करना चाहूंगा कि घोटाला क्या है या नहीं है। ठीक है सर, ये पूरा कंक्लूजन सुनने के लिए तो मुझे ब्रेक के बाद ही लौटना पड़ेगा, ब्रेक का टाइम हो चला है। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी के पास लौट कर जाएंगे। छोटा सा ब्रेक।
सरकार के मनोहर 50 दिन कितने मनोहर रहे, रहे भी कि नहीं, इसी पर हम बात कर रहे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी कि CMP का क्या हुआ, इसको लेकर आने में, इस पर मनोदशा तय करने में या बात नहीं बन रही है, इतना वक्त क्यों लग रहा है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को तय करने के लिए, इसी पर हम बात कर रहे हैं। क्या दोनों पार्टियों के भीतर जिस अंतर विरोध का जिक्र सुखबीर तंवर कर रहे थे, वो एक वजह है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में देरी के पीछे, चूंकि लगातार सवाल पूछा जा रहा है सरकार से कि आप बेहतर काम करेंगे, गठबंधन बेहतरी के साथ आगे बढ़ेगी, ये तो ठीक है, अच्छी बात है बढ़े, लेकिन काम शुरू कब करेंगे, जब आपका न्यूनतम साझा कार्यक्रम ही अभी तक नहीं आया। इस पर एक एक करके सभी को आपने सुना, धनखड़ साहब से जवाब लेते हैं। दलबीर जी। जी नम्यका जी, मैं सबसे पहले तो कांग्रेस के मैं पत्रकारों का धन्यवाद करता हूँ, कमियां हैं गिनवानी चाहिए, तभी तो कोई पूरी होगी, जब ही तो सामने आएगी चीजें। मैं तो इनका सबका धन्यवाद करता हूँ, विपक्ष का भी धन्यवाद मैं तो बार बार करता हूँ खासकर कांग्रेस का। अब मैं कांग्रेस के मेरे मित्र ने तीन मुद्दे मोटे मोटे उठाए, मैं मुद्दों पर आता हूं। आज हरियाणा के किसान का गन्ने का भाव यहां 340 रुपए है, पंजाब में 315 रुपए मैक्सिमम है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कंपैरिजन दो सरकारों का, नंबर एक लिख लीजिए। नंबर दो, मेरे भाई ने बहुत अच्छी बातें की, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की कांग्रेस के मेरे मित्र ने। गुड़गांव से फैक्ट्रियां जा रही हैं, प्रदेश में बुरे हाल हैं रोजगार के, बिल्कुल वो रोजगार के बुरे हाल हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। ये मुद्दा हमारा चुनाव से पहले भी था, आज भी है, और हम इस बात को मानते हरियाणा न्यूज में बैठे हुआ, बेरोजगारी सबसे ज्यादा हरियाणा में पढ़े लिखों की है। ये आंकड़े ना हरियाणा न्यूज के हैं ना कांग्रेस के हैं, ये देश की जो आंकड़े होते हैं वो सरकारी आंकड़े, सही आंकड़े इन्होंने बोले। मैं मेरे भाई को एक बात और बताना चाहूंगा, शैलजा जी, अशोक तंवर जी अब नहीं इनके साथ, चौधरी बीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत ने एक ही बात कही थी, क्षेत्र विशेष का फायदा पहुंचाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक तो KMP को लेट किया, ये हम सब जानते हैं। गुड़गांव आकर प्रदेश का किसी ने अगर नाश किया है तो KMP लेट करने की वजह से किया है। अगर KMP 2009 से पहले बन जाता तो यहां इंडस्ट्रियां और रेजिडेंशियल सेक्टर इतने हो जाते, शायद हरियाणा को आज टैक्स नहीं देना पड़ता, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। लेट करने की वजह से यह हमें नुकसान, लेट क्यों किया ये आरोप कांग्रेस में भी रहते हुए आज शैलजा जी वहीं हैं, उन्होंने लगाया अगर रोहतक को चमकाने के लिए, इंडस्ट्रियां वहां खींचने के लिए, वहां तो नहीं आई, प्रदेश से जरूर भागी, ये कांग्रेस के टाइम में भागी है, इस सरकार में नहीं भागी। कुछ मुद्दे इन्होंने सेंटर के उठाए, बुलेट ट्रेन, हालांकि हम सेंटर की पार्टी नहीं है, पर मेरे मित्र को मैं जरूर बताना चाहूंगा, मेरा छोटा भाई, मित्र नहीं मेरा तो छोटा है, चौकीदार चोर है चुनाव में कह कह के राहुल गांधी जी माफी तक पहुंच गए, कोर्ट में माफी मनामा देना पड़ा आखिर में, अगर मैं माफी मांगता हूं मैंने गलत शब्द बोले मोदी जी के, राहुल गांधी जी गद्दी छोड़ के भागे, डेढ़ महीना उस गद्दी पर कोई नहीं रहा, कांग्रेस की गद्दी पर ही कोई नहीं रहा। और मैं तो हैरान हूं इतनी लंबी पार्टी चलने के बाद देश में 10% पिछली बार भी सीटें नहीं थी पूरे भारत में कि जोड़ के लगाए, तो इस बार भी नहीं है, मुख्य विपक्षी दल का दर्जा इनको नहीं दिया देश की जनता ने, और मोदी जी को पहले से ज्यादा सीटें दी, तो इनके जो दो राष्ट्रीय मुद्दों की बात है, तो देखो जनता का जो वोट दिया है उसका हमने सम्मान करना चाहिए सबने, मैं तो सम्मान करता हूं, कांग्रेस करती नहीं करती है जाने, जहां तक इन्हें लोग मेरे छोटे भाई है वो भी, हमने बहुत काम किया, अच्छा मुद्दा उठाते हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं, परंतु वो चुनाव से बाहर नहीं निकले अभी भी। माननीय बैसिंह चौटाला जी हिंदुस्तान के एकमात्र नेता प्रतिपक्ष हैं जो अपनी गद्दी बचाने के लिए अपने विधायकों को दूसरे प्रदेश में गद्दी बचाने के लिए लेके, ये हिंदुस्तान का एक वो है, और मैं तो लोकतंत्र की आज भी खूबसूरती मानता हूं, हम सब बैठ के एक साथ बात कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती, एक सीट है उनकी फिर भी हम साथ काम करें, 2.5% से कम वोट है फिर भी हम टीवी पर एक साथ बैठ के अच्छा मतलब हल्दी डिस्कस कर रहे हैं, और मैं उनका जवाब दे रहा हूं। तो मेरे भाई को सुखबीर तंवर जी को और उनके नेता को तो ये कहूंगा, चुनाव नहीं हो रहा, अच्छे मुद्दे उठाइए, वो कमेटी के आपको भी जब आपने मुद्दा उठाया था विधानसभा में बड़ा अच्छा जनता को लगा, किसी मंडी में नहीं जा पाए, पता नहीं कहां जाकर सो गए, वो तो वो बता पाएंगे, तो इन लोगों के लिए इतनी बात है। हाँ, नेहरा साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही, हालांकि मैं उससे खुश नहीं हूं, खुश मैं इसलिए नहीं हूं, बात अच्छी है, उन्होंने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो एकदम सामने आ गए थे जनता के, भाई हमारा घोषणा पत्र JJP का सबसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में साथ आएगा। नेहरा साहब ऐसा वैधानिक सरकार, हुड्डा साहब ने बहुत तजर्बा चलाने का, 5 साल ऐसा वैधानिक सरकार चलाई थी,
आप आज कुलदीप बिश्नोई के साथ उनकी पार्टी को तोड़ के 5 विधायक तोड़ लिए थे। 31 सीट कांग्रेस की थी, 10 हमारी थी। हालांकि एक बात हमारे नेताओं ने कही थी, हम कांग्रेस के साथ कभी भी नहीं जाएंगे, क्यों? हमने हमेशा ताऊ देवीलाल ने कांग्रेस के खिलाफ राजनीति की है। फिर भी मैं सबको बताना चाहूंगा, 31 और 10 तक 40 ही बनती है, 46 फिर भी नहीं बनती, सरकार वो नहीं बनती। संवैधानिक सरकार ये थी, 40 भारतीय जनता पार्टी की, जननायक जनता पार्टी के 10, और प्रदेश में अच्छा भला करने के लिए हमने सरकार बनाई है और हर चीज का हम जवाब देंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बन पाया, ये हमारी कुछ कमियां हैं, थोड़ा सा और डिले होगा, बाकी अच्छे रिजल्ट हम देंगे, देर आया दुरुस्त वाले रिजल्ट हम देंगे, ये हम आपसे वायदा करते हैं, प्रदेश की जनता से वायदा। सरकार से लोग उम्मीद भी यही करते हैं सर, देर आए दुरुस्त आए तो अच्छी बात है, कम से कम चीजें जल्दी से शुरू तो होंगी। खटाना साहब देखिए, मेरे बड़े भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं इनको बता दूं कि जीरी का भाव आज 1800 रुपए है, गन्ना गन्ना वाले पे बोले गन्ने का बता देता हूँ, गन्ने का जो 340 रुपए की बात कर रहे हैं और 15 रुपए वहां से जो पंजाब की तुलना कर रहे हैं, आप पंजाब की तुलना ना करें, आप हरियाणा में राजनीति करते हैं, हरियाणा वासियों के लिए करते हैं। पंजाब की बात करें तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो नाम है, जब उनको कंपेनिंग कमेटी के लिए बुलाया गया तो उन्होंने SYL मुद्दे पर बिल्कुल साफ इंकार कर दिया कि जब तक उस मुद्दे पर हल नहीं होगा मैं वहां कंपेनिंग कमेटी में नहीं जाऊंगा। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हरियाणा के किसानों के लिए सोच है। जीरी का भाव 1800 रुपए आज है, 3800 रुपए जीरी का भाव हुड्डा साहब की सरकार में रहा। जो आप कांग्रेस की गद्दी की बात कर रहे हैं, मैं हरियाणा के जवान की बात करता हूं, किसान की बात करता हूं, रोजगार की बात करता हूं, नौकरी की बात करता हूं, आप गद्दी की बात करते हैं। मतलब JJP को सिर्फ गद्दी नजर आती है, या तो अपनी गद्दी नजर आती है या कांग्रेस की गद्दी। गद्दी के नीचे भी इंसान रहते हैं। हाँ, रैपिड मेट्रो को भी जवाब दूंगा, उससे पहले KMP का जवाब देता हूँ कि उन्होंने कहा जी KMP लेट शुरू हुआ। चलो जी, KMP लेट शुरू हुआ, अगर KMP हमारी सरकार में शुरू हो जाता तो शायद रिबन हम काटते और उसका श्रेय हम लेते। 90% काम करने के बाद आपने मात्र एक साल पहले उसका रिबन काट दिया। अभी काम बाकी है, एक मिनट, मैंने नहीं, रिबन एक साल पहले काट दिया, टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया, लाइटें आज भी नहीं है, स्पीड ब्रेकर आज भी नहीं लगाए, एरो आज भी नहीं लगाए, लेकिन 2.5 लाख रुपए के चालान कट रहे हैं। 2.5 लाख के चालान कट रहे हैं, वाजिब है, वो सरकार का संवैधानिक काम है, लेकिन लोगों को सहूलियतें मुहैया कराने, उनको जो डिवाइडर, जो निशान, जो एरो जो देना है वो देना सरकार का काम नहीं है, चालान काटना सरकार का काम है। ठीक है, रैपिड मेट्रो। अच्छा, रैपिड मेट्रो की बात करें कि मेरे भाई बड़े भाई ने कहा 3000 करोड़ रुपए लगाकर एक आदमी को, भैया रैपिड मेट्रो सेक्टर एम्बियंस से शुरू होकर सेक्टर 55 तक जाती है। अगर सरकार चाहती, आज इस बात को 5.5 साल हो गए, सरकार उस मेट्रो को आगे ले जाती, लोगों को और काम मिल जाएगा। आप उसको आगे बढ़ाओ ना, जब तक आप एक चलो ये तो हुड्डा साहब ने करा, हमने मान लिया, जो रिलायंस ने दिल्ली में मेट्रो धौलाकुआं से एयरपोर्ट तक चलाई, जो रिलायंस ने मेट्रो चलाई, क्या वो घाटे में नहीं है? वो भी घाटे में है। कोई इंसान जब इतने पैसे लगाता है ये सोच के नहीं लगाता कि मुझे घाटा हुआ, वो ये सोचता है कि इसमें कहीं ना कहीं सहूलियतें होंगी, फायदा होगा। ठीक है, नुकसान हो गया, उस रिलायंस ने चलाई, रिलायंस को नुकसान हो गया, लेकिन चलाई तो सही, बढ़ाई तो सही। आपने क्या किया? आपने रैपिड मेट्रो ही बंद कर दी। अरे भैया, बना बनाया स्ट्रक्चर, बनी बनाई ट्रेन तो चल रही थी, मान लो नुकसान में चल रही थी, आपने बंद कर दी, आपने BSNL बंद कर दी, एयर इंडिया बंद कर रहे हो। सुखबीर तवर, जवाब मिला आपकी, मैं मार रही हूँ, मैं तवर साहब के बाद आप ही के पास। हाँ सुखबीर तवर, अनामिका जी, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूँ, मैं चल रहे लोकसभा में, लोगों ने जिस वजह से इनको चुना, अच्छी बात है, मैं भारतीय जनता का धन्यवाद करता हूँ, जिस प्रकार से जो विषय रहा। धनखड़ साहब कह रहे हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। अनामिका जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, देखिए जहाँ तक मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ, 5-0 से आ रहे, उसके बाद हरियाणा से 3-0 से आ रहे, अब आने वाले समय में जो होगा रिजल्ट कल भी आने वाला है। मैं कहना ये चाहता हूँ धनखड़ साहब को, जननायक जनता पार्टी ने जब मध्य भारत और उत्तर भारत पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट कर चुका है, एक उड़ता हुआ तीर अपने पास ले लिया है, और इस तीर की वजह से जो चौधरी देवीलाल की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं, निसंदेह उनको बहुत ज्यादा निराशा हुई है, और इसका जो मूल्य है वो इनको कम से कम। चलिए, आपकी इस बात का मैं जवाब लूंगी। सीमा जी नहीं नहीं मेरी बात कहाँ खत्म कहाँ हुई है? नहीं सर, थोड़ा जल्दी से समेटिए। देखिए, अब
मैं बहुत आपके चैनल का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। आपने लोकसभा चुनाव के दौरान भी और उसके बाद भी जिस प्रकार से आपके अपने चैनल के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार रहा, क्या आप और हम भूल सकते हैं? निसंदेह आपने इस प्रदेश की आवाज को उठाने का प्रयास किया है और आपने जो एक स्वतंत्र पत्रकारिता में जो होना चाहिए उसको निभाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। जो और सारे लोग बोलेंगे फिर मैं इनकी बात का जवाब देने का प्रयास करूंगा। बोलिए सर, बोलिए। ठीक है, कोई फाइनल कमेंट है सर? नहीं, फाइनल कमेंट ये है कि 50 दिन की तो बात छोड़िए, ये इनके इतने अंतर विरोध है, वो फाइनल कमेंट की अगर बात। ठीक है, अंतर विरोध। हाँ, आपके अंतर विरोध पर इन्होंने जवाब नहीं दिया था, मैं लूंगी। हाँ, ठीक है। आने वाले 50 दिन में जिस तरह से अंदर खाते इनकी तोड़ और एक दूसरे को तोड़ने की बात चली हुई है, जिस प्रकार से वो। ठीक है सर, ठीक है, हो गया। सीमा जी, दादाजी, ठीक है सर, हो गया सर, खत्म हो जाएगा सर, डिबेट का टाइम खत्म हो रहा है। हो गया सर, हो गया। सीमा जी, देखिए, प्रकार के इनकी प्रतिक्रिया और किस प्रकार का इनका जो अवसरवादिता है, इसका देश और मैं आपके इन दोनों शब्दों का जवाब लूंगी कि इनके बीच अंतर विरोध है, अवसरवादी है ये लोग। आप इत्मीनान रखिए, 10 सेकंड मिलेगा उनको जवाब देने के लिए। हाँ, देखिए अनामिका, सबसे दुखद बात यही है कि जब आप सर जनता के सामने होते हो और जनता जब आपसे सवाल करती है तो आप एक दूसरे पे बॉल फेंक देते हैं। जब बीजेपी से सवाल किया जाता है तो वो कांग्रेस के बारे में बताती है कि कांग्रेस ने अपने टाइम में क्या किया, और कांग्रेस की बात आती है तो वो बीजेपी को बताती है कि वो क्या कर रही है। जनता तो हर बार ठगी जा रही है ना। पिछली बार कांग्रेस ने जो किया, अगर कांग्रेस ने गलत किया तो सत्ता से बाहर कांग्रेस को जनता ने किया था, आपको सत्ता में बिठाया तो आप भी वही करेंगे क्या? आप जब बात करते हैं किसानों के लिए एमआरपी मूल्य की, तो आप मिनिमम समर्थन मूल्य की, और आप गिनाते हैं कि पंजाब में जो उनको मिल रहा है उससे आप कंपैरिजन कीजिए, तो आप क्या कांग्रेस से कंपैरिजन का करके आप जनता को देंगे? आपने जनता को मैक्सिमम देने की बात कही थी, आप कंपैरिजन कांग्रेस से करते हैं जिसको जनता ने सत्ता से बाहर किया है पिछले 10 सालों से, मतलब एफर्ट्स दूसरी बार जनता ने सेंटर में भी और स्टेट में भी उसको बाहर किया है। बात यह है कि आपको पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे INLD हो, चाहे JJP हो, या कोई भी अन्य पार्टी हो, लोगों को जनता के प्रति जवाबदेही तय करनी है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है कि लोगों का तंत्र, और लोगों की जो जिम्मेदारी, जो लोगों के प्रति जो सरकार की और पार्टियों की जो जिम्मेदारी है उसको ये लोग नहीं समझ रहे हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि एक आम आदमी को बेसिक जरूरतों जब उसकी पूरी नहीं होती है तो उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ना इनको ये पता है कि एक आम आदमी को सरकारी स्कूल में वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही है जो उसको मिलनी चाहिए, उसको एजुकेशन नहीं मिल रही है, उसको हेल्थ नहीं मिल रहा है, उसको फूड नहीं मिल रहा है, उसको घर नहीं मिल रहा है, महिला सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी तक कोई एक स्टेटमेंट सरकार की तरफ से हरियाणा में नहीं आया या मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं हुआ कि कोई एक स्टेप की महिला सुरक्षा को लेकर या महिला को लेकर के किसी भी तरह का कोई, और ये बात कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम लेके आएंगे, ये कह रहे हैं कि मिनिमम जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो भले देर से आएगा, दुरुस्त आएगा। भाई देर से क्यों आएगा? जनता के प्रति जवाबदेही आपकी सबसे पहले ये बनती है कि जनता आपसे जो उम्मीद कर रही थी आप उसमें से उनको क्या देंगे? आपके लिए सत्ता में आना प्रायोरिटी हो गया दोनों पार्टियों के लिए, लेकिन जो जनता के जो मुद्दे थे वो आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है, आप उसको देर से क्यों लेके आएंगे? आपको चाहिए था सबसे पहले कि आप जनता के सामने, जिस तरीके से अमित जी कह रहे थे कि ये महत्वपूर्ण नहीं रहता कि आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आए या नहीं आए, मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके यहाँ पर जब आप सरकार जनता के बीच में जाती है पार्टी, वो सबसे पहले मुद्दे रखती है कि हम इस मुद्दे पर आपसे आपके लिए काम करेंगे, और जनता उसी मुद्दों के बिहाफ पे क्यों देर से आएगा? क्यों देर से आएगा? 20 सेकंड। अनामिका जी, मैं तो फिर वही बात आ जाती है, कांग्रेस के मेरे मित्र ने एक बहुत अच्छी बात की, मैं वहां से शुरू करता हूँ। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पंजाब नहीं गए, रणदीप सुरजेवाला इस प्रदेश के नहीं है शायद, वो उस घोषणा पत्र लेके वहां खड़े हुए थे, मैं तो बोलते वक्त भी पता नहीं कहां नॉलेज चली जाती है, क्या रणदीप सुरजेवाला जी इस पार्टी के कांग्रेस के नहीं है, राष्ट्रीय प्रवक्ता इनके, घोषणा पत्र लेके वहीं खड़े थे। ठीक है, नंबर जहां तक बात कर लेते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बार बार बातें हो रही है, आप ये सब जानते हैं, मैं उस तरह का प्रवक्ता नहीं जो झूठ बोल के चला जाऊं या जवाब ना दूं किसी बात का। हाँ। मैं हर बात का जवाब देके जाता हूं। पचास दिन हुए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हम दोनों अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ी, मिलकर चुनाव नहीं लड़े थे, हमने सरकार बनाई है जनता की भलाई के लिए, हम अभी भी वायदा कर रहे हैं आपसे, कमेटी बना दी गई है, एक मीटिंग हो चुकी है। सीधे मैं ही पूछ लेती हूँ, कोई अंतर विरोध है क्या कि देरी हो रही है?
जिस तरह से अंतर विरोध की बात कर रहे हैं जी, उन लोगों को इंतजार करना चाहिए। परंतु चौधरी अभय सिंह चौटाला के प्रवक्ता जिसमें मेरे सुखबीर भाई कह रहे हैं, मैं उस बात को भी आज नहीं बोल रहा हूं, जैसे रिजल्ट आए थे हरियाणा के, जब जेजेपी का और बीजेपी का गठबंधन नहीं हुआ था, अभय सिंह चौटाला ने एक मिनट में कह दिया था मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, यानी वो मंत्रिमंडल का विस्तार में अपना नाम का इंतजार कर रहे थे, वो बात अलग नहीं बनी। बाकी हमारी जिम्मेवारी है, समय पर आएगा। तुरंत बोलिए आप, मुझे वाइंड अप करना है। नामिका, 1966 में हरियाणा का जन्म हुआ था, 53 साल हो गए जल्दी से हरियाणा का जन्म हुए, 53 साल में भी हमारा लोकतंत्र इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि हमारी पार्टियां एथिक्स पे काम कर सके, मूल्यों पे काम कर सके। बहुत बड़ी बात, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रह गया कि राजनीति मौके की है, आपको मौका चाहिए, येन केन पर कारण आपको सरकार बनानी ही है, तो उसमें इन चीजों का कोई महत्व नहीं रहता। आज अगर हम कुछ बोल रहे हैं, कोई पार्टी कुछ बोल रही है, तो कल को उसका रूप कुछ और मिलता है। तो इसमें क्या है कि ओवरऑल जो वोटर है, जो जनता है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस, वो अपने को ठगा हुआ महसूस करता है। चले, बहुत शुक्रिया। तो क्या वाकई लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं या 50 दिन ही हुए हैं? थोड़ा और वक्त अगर सरकार मांग रही है तो देना चाहिए। एक सवाल पूछा था, देखिए, क्या मनोहर रहा हरियाणा सरकार के 50 दिन का कार्यकाल? अब अपना जवाब भी आप देख लीजिए, क्या जवाब आया है आप लोगों की तरफ से। 24% लोग कहते हैं कि हाँ मनोहर रहा, 76% लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। तो यह आवाम की तरफ से आया हुआ जवाब दिखाते हुए हम प्राइम टाइम डिबेट को यहीं खत्म करते हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।